आप सभी का वीडियो में स्वागत है और आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आंगनवाड़ी पर जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पोषाहार वितरण किया जाता है उसके संबंध में आपको यहाँ पर बताएंगे तो पोषाहार वितरण को लेकर काफ़ी लोगों को परेशानी है और कमेंट आते हैं कि मैम जो है यहाँ पर हमें पोषाहार वितरण तो कर रहे हैं पर कोई मानदेय या पैसा नहीं मिल रहा है भाड़े तक का भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन व पुष्टाहार बांटने का काम पहले बाल पुष्टाहार विभाग करता था वर्ष 2019-20 में सरकार ने यह जिम्मेदारी एन को सौंप दी थी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार के रूप में प्रति बच्चा प्रति धात्री महिला डेढ़ किलो गेहूँ एक किलो चावल चने की दाल गेहूँ का पौष्टिक दरिया मिल्क पाउडर और सरसों का तेल दिया जाता है पहले पुष्टाहार की धनराशि सीधे आंगनवाड़ी केंद्रों के खातों में भेजने की व्यवस्था थी तो पुष्टाहार की धनराशि जो थी पहले जब आंगनवाड़ी के द्वारा ये पुष्टाहार वितरण का काम होता था तो उसका जो पैसा होता था तो सीधे केंद्र के आंगनवाड़ी के खाते में भेजने की व्यवस्था थी अभी जब स्वयं सहायता समूह को ये जिम्मेदारी दे दी गई है तो उनके आगे बड़ी समस्या आ रही है राशन उठान को करने के लिए भी उनके पास भाड़े का पैसा नहीं है मानदेय तो आता ही नहीं है भाड़ा कहाँ से निकाले बहुत सारी समस्याएँ हैं अब यहाँ पर इन समस्याओं को सरकार को देखना चाहिए और जब महिलाओं के पास भाड़े तक के पैसे नहीं होंगे तो राशन का उठान कैसे कर पाएंगी और कैसे वो जो है यहाँ पर राशन वितरण का, का काम कर पाएंगी तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर देख लीजिए दो वर्ष पूर्व जब व्यवस्था में बदलाव हुआ और बदलाव करके नाइफेड के जरिए स्वयं सहायता समूह को पुष्टाहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई तो विभाग प्रति तिमाही नाइफेड के माध्यम से एक करोड़ से अधिक का पुष्टाहार आजीविका मिशन को देता है एक करोड़ का पुष्टाहार आजीविका मिशन को एनआरएलएम को दिया जाता है ये कौन देता है नाइफेड उसने ही ले रखा है और वो जो है पुष्ट आहार पहुँचाने का काम आजीविका मिशन को नेफिट करता है लेकिन आजीविका मिशन ने आज तक पुष्टाहार वितरण का हिसाब नहीं दिया अब एक करोड़ का राशन अगर आजीविका मिशन में आया है सरकार को हिसाब देना पड़ेगा तो आजीविका मिशन से धीरे धीरे वो नीचे आता है जो है राज्य से जिला पे जिला पे से ब्लाक पे ब्लाक से समूहों में आता है तो हिसाब नहीं दिया इस पर डीएम ने एनआरएल उपायुक्त तो को पत्र भेजकर तत्काल पुष्टाहार वितरण का ब्यौरा देने को कहा है कि अब ये जानकारी कानपुर की है और वहां फिर जो है डीएम ने एनआरएल से जो तत्काल इस पर जो है जवाब मांगा है तक कितना तो वितरण किया है राशन जब से पोषाहार वितरण का जिम्मा एन आर एल एम की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है तब से बच्चे व धात्री महिलाओं की संख्या की अपेक्षा सिर्फ साठ फीसदी को ही पोषाहार आ रहा है इससे आए दिन केंद्रों पर विवाद हो रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों को दिए जाने वाले पुष्टाहार का विवरण मंगाया गया है पुष्टाहार विभाग को जल्द ही वितरण की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी तो अब यहाँ पर एनआरएलएम के ऊपर ये जो है मांगा गया है ब्यौरा कि आपने अब तक कितना पुष्टाहार समूह के माध्यम से वितरित करवाया है तो उसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है वितरण का और सारे कार्य का तो यही सब कुछ ना कुछ विवाद है जिसकी वजह से आप सबका मानदेय नहीं मिल पा रहा है और काफ़ी कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं सरकार बहुत अच्छी योजनाएं चलाती है पर कहीं ना कहीं वो जो है हीला हवाली का शिकार होती हैं और जो भी है यहाँ पर सरकार इसको देखेगी और जल्द ही आप सभी को लाभ जरूर मिलेगा और आप लोग को अगर कोई समस्या है तो अपने ब्लॉक पे जाकर जरूर संपर्क कीजिए बताइए जिला अधिकारी को बताइए एन आर एल एम आफिस में आप जिले पर जाकर बताइए हर तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी और आप, आप लोग काम करते रहिए देर सवेर ही सही पर आप लोग को आपका हक तो मिलेगा ही मानदेय तो मिलेगा ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद